प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मुंगेली जिले के ग्राम झड़ियापुर में आयोजित श्री सिद्धेश्वर शिव महाप्राण कथा में शामिल हुए। उन्होंने 11 कुंडिया रुद्र महायज्ञ शाला का परिक्रमा कर व्यासपीठ पर विराजमान कथा प्रवक्ता ब्रजनंदन जी महाराज का शॉल व श्रीफल भेंट कर अभिनंदन किया और उनसे प्रदेश के सुख समृद्धि एवं खुशहाली के लिए आशीर्वाद लिया। मंच पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री साय का गजमाला पहना कर भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री साय ने कथा सुनने पहुंचे श्रद्धालुओं से कहा कि भगवान शिव देवों के देव महादेव भोले और अभयदानी हैं। वे सच्ची भाव भक्ति में दुश्मनों को भी वरदान दे देते हैं। उन्होंने कहा कि कहीं भी कथा होने से न केवल उस क्षेत्र को बल्कि दूर दूर तक इसका पुण्य लाभ मिलता है। इस महायज्ञ का फायदा यहाँ के लोगों सहित हमारी सरकार को भी मिलेगा। आज हमने 1,47,500 करोड़ का बजट पास किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही घोषणा के अनुरूप सबसे पहले हमने 18 लाख आवास बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने ग्राम चिरहा से झलियापुर तक 30 किलोमीटर सड़क मार्ग निर्माण की घोषणा की। साथ में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, खाद्य मंत्री दयानंद सिंह भगीरथ सहित बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जय जय श्री राम।